डियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग आज चलते हैं टेंथ क्लास के क्लास टेंथ के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करते हैं और मैथ सब्जेक्ट में जैसा कि आपको पता है पिछले क्लास में पिछले दिन हम लोग पूरा द्विघात समीकरण चैप्टर को पढ़ लिए पूरा वो चैप्टर ख़त्म हो गया तो चलिए एम का एक नया मैथ के सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फाइव ठीक है चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी डियर स्टूडेंट्स आपको जरा इसके इंग्लिश के बारे में जानना चाहिए कि समांतर श्रेणी जो होता है ये हिंदी हो गया जो पांचवा चैप्टर में है हालांकि इसका इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है तो इसका जो अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक टिक प्रोग्रेशन होता है प्रोग्रेशन ठीक है तो इसका जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन अर्थमैटिकोगी ठीक है समांतर और का मतलब आप यहां बोलेंगे कि सर पैरेलल का मतलब समांतर होता है तो ऐसा नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको दोनों साथ बोला जाता है जिसका हिंदी हुआ समांतर श्रेणी अब इसको हम लोग शॉर्ट में भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक का फर्स्ट लेटर क्या है ए और प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेटर पी तो इसलिए हम इसको बोलते क्या हैं कि अब हम लोग एन के कौन सा चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ए पढ़ रहे हैं ठीक है इसीलिए इसको ए के नाम से भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि समांतर श्रेणी का अंग्रेजी जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट जो नाम है वो अर्थमेट ए पी है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर ए है इसका फर्स्ट लेटर पी है तो हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी अब श्रेणी का मतलब होता है श्रेणी श्रेणी का मतलब क्या होता है जैसे मान लिया कि अगर आप एक सीढ़ी को देखते होंगे आप पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप अगर छत्ता पे चढ़ने वाले सीढ़ी को देखते होंगे कि सीढ़ी में लगने वाले जो डंडे होते हैं बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर होते हैं होते हैं ना बराबर बराबर दूरी पर इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि इससे इस इस वाले डंडे के पास अगले वाले डंडे पर चढ़ते हैं फिर अगले वाले डंडे के पास चढ़ते हैं फिर यानी कि ये जो सीढ़ी में लगने वाले जो डंडे होते हैं बिल्कुल एक समान दूरी पर होते हैं तो समांतर श्रेणी का डेफिनेशन क्या हुआ वैसा ऑब्जेक्ट वैसा पदार्थ जो बिल्कुल समान दूरी पर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या समांतर श्रेणी उसको हम लोग क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं तो अब समांतर श्रेणी का मतलब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर अब इसका समांतर श्रेणी का जरा एग्जाम्पल देखते हैं कि समांतर श्रेणी हम लोग किसको बोलेंगे ठीक है जैसे मान लिया कि कोई नंबर दू से शुरू हो रहा है दो से शुरू हो रहा है अगला नंबर चार हो रहा है अगला छ हो रहा है अगला आठ हो रहा है अगला दस हो रहा है अगला बारह हो रहा है ऐसे ही अगर ये संख्या अगर बढ़े तब हम इसको बोलेंगे कि ये ए पी में है क्यों ए पी में है क्योंकि हमेशा जो बढ़ने का काम हो रहा है वो दो दो बढ़ रहा है जैसे दो से चार कब आया प्लस टू ऐड हुआ होगा चार से छ कब आया तो इसमें दो ऐड हुआ ठीक है न्यूंगी जाए। न्यूंगी जाए। अब इसमें से भी टू ऐड हो रहा है हमेशा जब बराबर बराबर दूरी हो यानी कि बराबर बराबर चीजें बढ़ती रहे यानी समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है आपको आगे भी बढ़ना है ठीक है आपको आगे बढ़ना है लेकिन सब में बराबर बराबर बढ़ना है तो इसको हम लोग बोलेंगे एपी में है अगला एग्जाम्पल देते हैं जैसे मान लिया कि तीन है ये पाँच है ये आठ है, है, है फिर दस है फिर ग्यारह है फिर तेरह है तो क्या ये एपी में है तो देखिए तीन से बढ़ा पांच ठीक है वैल्यू हो गया दो यहां से बढ़ गया तीन यही तो हो गया भाई गड़बड़ हमेशा जो दूरी होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए सब में दो दो ही रहता या तो सब में तीन तीन ही रहे सब में चार चार ही रहे तब हम इसको बोलेंगे कि ये भाई एपी नहीं है तो एपी का पहचान के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको अहम बात यह होना चाहिए कि आपको चेक करने आना चाहिए अगर आपको चेक करने आ गया कि एपी है या नहीं है तो समझिए आपका आधा काम हो गया ठीक है अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं यहां है आठ यहां है बारह यहां है सोलह यहां है बीस यहां है चौबीस यहां है तीस क्या यह एपी में है ऐसे ही अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या यह एपी में है तो आप चेक कीजिए आपको लग रहा होगा कि सर कहीं से भी स्टार्ट होता है तो जी हाँ फ्रेंड कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ये आठ से भी स्टार्ट होगा दस से भी हमको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना है हमको यहाँ पे ये फोकस करना है कि जो आगे का संख्या लिखा गया है जो आगे का बात लिखा गया है वो कितना का अंतर है तो आठ से लेके बारह तक चार तक के अंतर है बारह से सोलह तक के कितना अंतर है चार का अंतर है सोलह से बीस तक के चार का अंतर है बहुत बढ़िया बीस से चौबीस का अंतर चार का है लेकिन यहाँ पे जो है आपका काम गड़बड़ हो गया प्लस छः हो गया हम क्या बोले हैं कि जितना भी ए पी रहता है उसको सबको चेक करना पड़ता है आप कभी भी ऐसा नहीं देखें कि यहाँ से तो भाई प्लस चार है प्लस चार है यहाँ से प्लस चार है तो आपको लग गया कि ये ए पी है लेकिन ये ए पी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि लास्ट में तो छो बढ़ गया हमेशा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के जो नंबर दिया रहता है सब में बराबर वैल्यू होना चाहिए तब हम उसको बोलेंगे कि एपी में है अन्यथा वो एपी नहीं बनाएगा ठीक है अब एपी में सबसे अहम बात यह होता है कि एपी में कुछ टर्म होता है जैसे जैसे मान लिया कि एपी में जनरल टर्म होता है आपको जनरल टर्म याद रखना चाहिए सामान्य पद एपी का क्या होता है सामान्य पद सामान्य पद ए से शुरू होता है और ए प्लस डी होता है ठीक है फिर ए प्लस टू डी होता है ए प्लस थ्री डी होता है ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते रहता है और ये कहलाता है ए पी ठीक है आप जरा देखिए अगर कोई पूछेगा कि ए पी का सामान्य पद क्या होता है तो ए पी का सामान्य पद होता है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा अब आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये ए और ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ये सब क्या है ठीक है तो इस ए पी का ये जो एपी का ये सामान्य पद है यानी कि इस रूप में हम लोग लिखेंगे तो वो ए पी हो जाएगा जैसे मान लिया पहला एग्जाम्पल में ए का वैल्यू लेना है एक और डी का वैल्यू लेना है दो ठीक है तो जब ए का मान एक रखेंगे और डी का मान दो रखेंगे तो एक उसी को कहते हैं जहां से ए पी शुरू किया हुआ रहता है तो यहां एक का मान कितना लिए हैं खुद से हम ले रहे हैं अभी एग्जाम्पल समझाने के लिए तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो ए पी का शुरू वाला जो संख्या होता है वो होता है ए मान, ठीक है तो यहाँ ए से शुरू हो रहा है तो ए मान वन है तो आप वन से शुरू करिए ठीक है अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वन में वन जोड़िए वन में डी को जोड़ना है तो वन में टू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री ठीक है अब ए का तो वैल्यू वन है तो यहां वन रखिए और टू को डी से गुना कीजिए तो दो दुना का चार चार में एक जोड़ना है तो यहां हो जाएगा पांच ए प्लस थ्री डी पे आते हैं तो एक जगह पे रखना है एक और थ्री डी थ्री डी का मतलब तीन दुना का सात अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तब वो हो जाता है ए पी में ठीक है यानी कि डियर स्टूडेंट्स हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई ए पी का जनरल टर्म बोल दे तो यही होता है ए पी का जनरल टर्म ठीक है ए पी का जनरल टर्म क्या होता है तो ए होता है फिर ए प्लस डी होता है ए प्लस टू डी होता है ए प्लस थ्री डी होता है ऐसा ही होते रहता है समझ में आ रहा है तो अगर आपको कोई भी अगर ए पी देके अगर सवाल चेक करने के लिए बोलेगा कि आप ए पी को चेक कीजिए तो आप ए पी को चेक करने के लिए भी सीखें हमेशा बराबर बराबर बढ़ाना चाहिए हमेशा अगर चार चार बढ़ रहा है तो चार चार बढ़ाना चाहिए लास्ट तक तब वो ए पी हो जाता पाँच पाँच भी बढ़ सकता है आठ आठ भी बढ़ सकता है कितना कितना भी बढ़ेगा लेकिन सब कुछ सेम चीज़ बढ़ना चाहिए ठीक है चलिए अब हम लोग आगे की चीज को देखते हैं तो सबसे पहले अभी हम लोग जो सीखे वो क्या सीखे कि ए पी का जो सबसे पद होता है वो क्या क्या होता है ए होता है ए प्लस डी होता है ए प्लस टू डी होता है ए प्लस थ्री डी होता है ए प्लस फोर डी होता है ऐसे ही आगे ए प्लस फाइव डी भी होगा समझ रहे ना आगे भी होता रहेगा यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि ये होता है ए पी का जनरल टर्म अगर आपको कहीं भी बोलेगा कि एपी का प्रथम पद का मतलब क्या हुआ तो एपी का जो प्रथम पद हुआ प्रथम पद का मतलब कौन सी प्रथम पद का मैंने पहला पहला में कौन आता है ए समझ रहे हैं आ रहे ना और अगर अब बोलेगा कि दूसरा पद एपी का दूसरा पद क्या होता है तो एपी का दूसरा पद का मतलब हुआ ए प्लस डी ई वाला हो गया दूसरा पद ठीक है अगर वैसे ही अगर हमसे पूछेगा कि एपी का तीसरा पद क्या होगा तो तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस टू डी हो गया ये हो गया पहला नंबर ये दूसरा नंबर ये तीसरा नंबर पे यही ना आ रहा है तो तीसरा पद होता है एपी का ए प्लस टू डी चौथा पद कितना तो चौथा पद कितना होगा तो चौथा पद ये आ रहा है पहला नंबर पर एक दो तीन चार तो चौथा पद कितना होगा ए प्लस थ्री डी तो डियर स्टूडेंट यहां पे आप दिमाग लगाइए कि कुछ ना कुछ जरूर जादू चल रहा है कौन सा जादू सबसे पहला प्रथम पद का मतलब ए हुआ जैसे ही दूसरा पद पूछेगा तो ए प्लस ए गो जैसे दूसरा पद पूछेगा तो एक कम करके लिखेंगे तीसरा पद पूछ रहा है तो ए प्लस ए प्लस तो सब में लगाना है लेकिन तीसरा पद बोल रहा है तो एक कम करके लिखेंगे टू डी समझ में आ रहा है जादू अगर चौथा पद अगर आपको बोलेगा तो आप लिखिएगा ए प्लस चार के बजाय यहाँ पे थ्री डी उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप यह समझिए कि अगर हमें बोलेगा अठारवा पद अगर अगर कहीं भी अगर ऐसा मिल गया कि पद तो अठारवा पद का मतलब क्या डी ये हम एक आपको ट्रिक बता रहे हो जो कि आपको बहुत काम करेगा अगर मान लिया कि आपको बोलेगा पच्चीसवा पद ठीक है पच्चीसवा पद तो पच्चीसवा मतलब का क्या मतलब फ्रेंड ए प्लस ट्वेंटी फोर डी अगर हमें बोलेगा तेईसवा पद तेईसवा पद का मतलब ए प्लस तो लगाना ही लगाना है लेकिन तेईसवा बोल रहा है तो तेईस से एक कम कीजिए बाईस डी हुआ तो अगर कोई AP में कितना भी पद पूछ लेगा तो आप अगर भुलाएंगे नहीं ना अगर ये AP आप अगर भूल जाते हैं कि ए ए प्लस डी कोची कोची तो था और सवाल आएगा कि आप अठासीवा पद बताइए अठासीवा पद 88वां पद बताइए तो आप क्या लिखिएगा ए प्लस सतासी डी सिंपल समझ रहे हैं बात को यानी कि कैवा पद भी आप निकाल सकते हैं ए प्लस सताइस डी सताइसवां डी सतासी है ना ये अगर मान लिया आएगा पंचानवा पंचानवां पद पंचानवां पद कैसे निकालेंगे तो ए प्लस चौरानबे डी समझ में आ रहा है अब यहां पे ये नहीं पता चल रहा होगा कि सर ए और डी ए सब क्या है तो प्यारे बच्चों आप सबसे यहां पे ये सब इम्पोर्टेंट चीज नोट कीजिए सबसे इम्पोर्टेंट कि ए का मतलब होता है ए को बोलते हैं प्रथम पद ए को बोलते हैं प्रथम पद ठीक है और डी को बोलते हैं सार्व अंतर सार्व अंतर ठीक है जहां ए को बोलते हैं प्रथम पद और प्रथम पद का मतलब होता है एपी के शुरू वाला को बोलते हैं प्रथम पद ठीक है और सार्व अंतर का मतलब होता है डी अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं वो हम अभी सीखने वाले हैं तो कोई भी एपी और देखिए सबसे इंपोर्टेंट ये वाला बात हुआ कि एपी में एपी में हमेशा हमेशा डी का मान बराबर होता है डी का मान बराबर होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ए पी में जो डी का मान होता है हमेशा बराबर होता है चलिए एक और ट्रिक सिखाते हैं जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि आप चेक कीजिए कि ए पी में है कि नहीं चेक करना है खाली आपको बताना है तो एक हो गया फिर हो गया पाँच फिर हो गया नौ फिर हो गया तेरह हो गया सत्रह इक्कीस पच्चीस इटीसी ऐसे बढ़ रहा है तो अगर आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है ठीक है जब एपी में है कि नहीं है तो हम अभी क्या बोले कि एपी में कब होता है जब डी का मान हमेशा बराबर होता है डी मतलब सार्व अंतर डी मतलब सार्व अंतर तो अगर आपको किसी भी एपी का क्वेश्चन हुआ पहला क्वेश्चन किसी भी ए पी को अगर चेक करना होगा तो हम क्या निकालेंगे उसका डी का मान निकालेंगे मतलब सार्व अंतर निकालेंगे और डी कैसे निकाला जाता है डियर स्टूडेंट्स तो हम लोग डी का जो वैल्यू निकालते हैं वो अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे आप किसी को भी चेक कर लेंगे अगर वो रियल में ए पी होगा तो अगला पद में से पिछला को घटाएंगे तो हमेशा बराबर आएगा डी मतलब सार्व अंतर और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं तो बाद वाला पद जैसे बाद वाला पांच है और पांच के पीछे वाला कोची है एक तो एक को माइनस करेंगे तो पांच में से एक गया तो कितना बचेगा चार ठीक है अगला बार डी निकाल लेते हैं हम इसको ले लेंगे सत्रह को लेंगे तो सत्रह के पीछे वाला क्या है तेरह तो इसका भी वैल्यू चार देख रहे हैं तो अगर एक ए में किसी को भी आप ले सकते हैं हम पच्चीस ले लिए तो 25 में से 21 को घटाइए उसका पीछे वाला पद तो कितना हुआ चार अगर डी का वैल्यू विश्वास नहीं है तो 13 में 13 ले लेंगे तो 13 के पीछे वाला क्या है नो यानी कि चार यानी कि जो हम लोग यहां पे डी का फॉर्मूला हुआ डी का मतलब होता है अगला पद अगला पद माइनस पिछला पद यानी कि अगला में से अगर उसके पीछे वाला को घटा देंगे तब हमें निकलता है सार्व अंतर का मान तो अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन देके अगर पूछेगा कि ए और डी का मान बताइए तो आप बता सकते हैं कब जब ओ एपी में रहेगा तब ठीक है जैसे अगर मान लिया कि कोई भी क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि आप जो है इसमें से ए और डी का मान बताइए कि हमें क्या होगा ए और डी का मान जैसे अगर हम ही अगर सवाल पूछ देते हैं कि आपको सवाल दिया रहेगा जैसे ऐसे पहला सवाल क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि निम्नलिखित एपी में निम्नलिखित एपी में ए तथा डी का मान निकालें ठीक है हम तो ए और डी लिख दिए ना हो सकता है कि सवाल में एक के जगह पे लिख दे प्रथम पद तो प्रथम पद का मतलब आपको ए समझना है हो सकता है सवाल में सार्व अंतर बोले तो सार्व अंतर का मैंने डी आपको समझना है जैसे पहला क्वेश्चन है आठ बारह सोलह बीस चौबीस अट्ठाईस बत्तीस इटिस यहां से आपको ए का मान चुनना है हम क्या बताएं कि जो शुरू में रहता है वो होता है ए का मान तो शुरू में क्या है आठ तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ए का मान आठ और डी का मान तो डी का मान कुछ में से कुछ घटा देना है यानी कि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बारह में से आठ घटाओ आप कोई भी संख्या पकड़ो अट्ठाईस पकड़ो तो अट्ठाइस में से उसके पीछे वाला घटाओ चौबीस घटाओ तो यहां हो जाएगा अंतर चार ठीक है अगर मान लिया दूसरा क्वेश्चन रहेगा माइनस तेरह माइनस एगारह माइनस नौ माइनस सात माइनस पाँच ऐसे करके इटी से रहेगा अब इसमें ए का मान क्या होगा भाई तो ए तो शुरू वाला पद होता है तो शुरू वाला पद कितना है माइनस तेरह तो ए का मान प्रथम पद हो गया माइनस तेरह और डी का मान कैसे निकालते हैं तो अगला पद माइनस पिछला पद तो अगला पद कितना है माइनस नौ को पकड़ते हैं तो एकरा में से घटाना ना है पिछला पद तो माइनस नौ के पीछे कुछ है माइनस ग्यारह तो आप कभी भी डाइवर्ट नहीं हुए है यहां पर कि सर आप माइनस नौ और माइनस माइनस ग्यारह कैसे लिख दिए तो अगला पद तो अगला पद को आप कोई भी पकड़ लीजिए हम माइनस नौ को पकड़े माइनस नौ लिख दिए अब घटाना होता है ये तो फार्मूला में घटाना है पिछला पद तो पिछला पद कितना है माइनस ग्यारह तो कुल मिलाकर कितना हुआ माइनस नौ और माइनस माइनस प्लस ग्यारह तो कुल मिलाकर ग्यारह में से नौ गया दो इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है तो इस तरीके से हमें कुछ भी दे सकता है आप ऐसा नहीं सोचे कि सर माइनस में भी आ सकता है तो क्यों नहीं भाई तो अगर आपको पहला सवाल यह हो सकता है कि कोई भी ए पी देकर और ए और डी का मान पूछ सकता है ठीक है अच्छा दूसरा दूसरा सवाल दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन यह हो सकता है कि अगर आपको ए का मान दिया रहेगा ए का मान मान लिया जाए कि फोर दिया है और डी का वैल्यू छ दिया है ए का वैल्यू चार दिया है और डी का वैल्यू छ दिया है तो आपको बोलेगा कि प्रथम चार गो पद निकालिए निकालें तो प्रथम चार पद कैसे निकालेंगे प्रथम चार पद यानी कि शुरू का चार गो तो ए का तो मान ऑलरेडी चार दिया है ठीक है यही ना प्रथम पद होता है और दूसरा पद दूसरा पद निकालिए तो दूसरा पद बराबर कौन सी ए प्लस डी हम जानते ना है कि दूसरा पद हमको चार गो निकालना है कै गो निकालना है चार गो कब जब ए का मान और डी का मान सवाल में दिया रहेगा ए का भी मान दिया रहेगा डी का भी मान दिया रहेगा तो सवाल कुछ बोलेगा कि प्रथम चार गुण निकाले चाहे प्रथम आठ गुण निकालिए चाहे प्रथम कई गुण निकालिए मैंने प्रथम का मतलब क्या होता है शुरू से चार गुण निकालिए तो जब प्रथम हम निकालेंगे शुरू तो ए का वैल्यू चार हो गया और दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद कैसे निकलेगा ए में डी को ऐड करेंगे ए प्लस डी होता है तो ए का वैल्यू चार प्लस छः तो हो जाएगा दस उसी तरीके से आप तीसरा पद निकालिए तो तीसरा पद का फार्मूला याद नहीं करना है तीसरा है तो ए प्लस टू डी ए का वैल्यू चार और टू डी टू डी का मतलब डी को दो से गुना करना है तो छुना का बारह बारह चार सोलह फिर उसके नीचे निकाल देंगे चौथा पद तीसरा तो निकल गया चौथा पद तो चौथा पद के लिए फार्मूला क्या a ए प्लस थ्री डी ए का मान चार और थ्री डी थ्री डी का मतलब डी का तीन गुना छतरी अठारह अठारह चार कितना 22. तो इसलिए जो ए पी बनेगा वो ए पी कितना बनेगा तो पहले ए लिखल जाता है तो चार फिर दस फिर सोलह फिर बाईस इसलिए प्रथम चार गो ये आंसर हो जाएगा यानी कि दूसरा सवाल इस टाइप का पूछ सकता है कि आपको ए का मान और डी का मान दे दिया रहेगा समझ में आ रहा है तो ए और डी का मान कुछ भी दिया रहेगा तो आप पहले प्रथम पद निकालिए दूसरा पद निकालिए तीसरा पद निकालिए फिर चौथा पद निकालिए इस तरीके से चार अलग अलग निकाल के फिर उसको एपी में एक तरीके से सजा देना है चार हुआ पहला बार में फिर दस हुआ फिर सोलह हुआ फिर बाईस हुआ तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हुआ हमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि ए और डी का मान सवाल में दिया रहेगा तो हमें प्रथम चार गो पूछेगा अगर मान लिया कि एक और टाइप का सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर तीन अगर मान लिया रहेगा कि ए का वैल्यू दिया रहेगा माइनस एक और डी का वैल्यू दिया रहेगा एक बटा दो देखिए कुछ भी दिया रह सकता है हमें इससे कोई माने मतलब नहीं है और सवाल क्या बोल रहा है कि प्रथम छह पद निकालिए छह पद लिखिए ठीक है प्रथम कै गो पद लिखना है छ गो छो का मतलब कितना आपको पहले प्रथम पद यानी कि ए नहीं होगा ए का तो वैल्यू माइनस वन देवे किया है फिर आपको निकालना पड़ेगा दूसरा पद पड़ ऐसे करके लगातार कितना तक छ तक के निकालना पड़ेगा तो दूसरा पद का फॉर्मूला कितना है ए प्लस डी और ए में डी को जोड़ना है तो माइनस एक प्लस एक बटा दू तो इस माइनस को माइनस एक बटा एक करके जोड़ लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा कितना माइनस में एक बटा दू ठीक है आपको तो जोड़ आता है ना भिन्न का उसको कर लीजिए फिर अगर तीसरा पद निकालना होगा तो तीसरा पद कैसे करेंगे तो तीसरा पद होगा ए प्लस टू डी अभी बताया ना तीसरा बोलेगा तो एक कम करके लिखना है ए का मान कितना है तो माइनस एक बटा एक लिख दीजिए प्लस दो गुने डी का मान कितना एक बटा दो तो दो से दो कट गया तो माइनस और प्लस एक, एक मिल हो गया फिर ऐसे ही चौथा पद निकाल लीजिए चौथा पद तो चौथा पद का मतलब कोची ए प्लस थ्री डी और ए प्लस थ्री डी का मतलब कितना ए का वैल्यू हम लोगों का माइनस एक है और प्लस थ्री डी तो थ्री गुने एक बटा दो थ्री थ्री डी तो माइनस एक प्लस थ्री बाई टू तो इसको एक और दो का एलसीएम ले लीजिए दो एक से दो बार में तो यहाँ हो जाएगा माइनस दो प्लस तीन यानी एक बटा में दो उसी तरीके से पांचवां पद निकाल लीजिए पांचवां पद तो पांचवां पद कैसे निकालते हैं ए प्लस फोर डी ए प्लस फोर डी अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ ए का वैल्यू कितना माइनस एक प्लस चार गुने डी का मान एक बेटा दू देखा रहे है तो दू से दू तो माइनस एक प्लस दू तो कितना बन रहा है एक दो में से एक गया एक अच्छा उसी तरह से छठा पद छठा पद तो छठा पद कैसे निकालेंगे ए प्लस फाइव डी तो ए का वैल्यू माइनस एक प्लस फाइव डी तो पाँच गुने एक बटा दो तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक बटा एक प्लस पाँच बटा दो तो एक और दो का एलसीएम दो तो यहाँ हो जाएगा माइनस दो प्लस पाँच यानी कि तीन बटा दो तो इसलिए ए पी जो बनेगा वो के, के उग बोल रहा था प्रथम छ गो तो देखिए छ गो हो गया ए का वैल्यू माइनस एक और ध्यान रहे कॉमा लगाया जाता है ए गो पद लिखने के बाद कॉमा देना है फिर दूसरा पद कितना आंसर आया है माइनस एक बटा दो फिर कितना आया जीरो फिर कितना आया एक बटा दो फिर कितना आया एक फिर कितना आया तीन बटा दो तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर ए और डी का मान अगर सवाल में ये वाला दिया रहेगा तो हम लोग कई गो निकाल सकते हैं हालांकि सवाल जय गो बोलेगा उतना ही हम लोगों को निकालना है ठीक है अच्छा अगर मान लिया सवाल में तो स्टूडेंट्स इतना चीज़ हम लोगों को सीखने के बाद अगर इतना चीज़ अगर सीख गए हैं तो चलिए समांतर श्रेणी चूँकि पाँचवा चैप्टर में है तो हम लोग आइए सीखते हैं पाँच पॉइंट एक एक्सरसाइज तो पाँच पॉइंट एक एक्सरसाइज वाला जो पहला क्वेश्चन है बोल रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची ए है और क्यों है तो डियर स्टूडेंट्स पहला में देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ है दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ये चारों क्वेश्चन को क्या बोल रहा है लैंग्वेज में दिया है देख रहे हैं कुछ कुछ लिखा है इस लिखा हुआ चीज को आपको एपी में एक संख्या के रूप में सजाना है ठीक है और सजाने के बाद आपको ये बोल रहा है कि कौन सा सूची जो है एपी में है और कौन सा सूची एपी में नहीं है अगर है तो क्यों है तो क्यों का जब आप हम लोग जान ही रहे हैं कि ए पी में रहता है तो डी का मान सार्व अंतर का मान हमेशा बराबर होता है तो क्या करना है फिलहाल ये जो पहला क्वेश्चन है इसको अभी छोड़ देना है डियर स्टूडेंट जो जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आप उसी क्वेश्चन बना के हमें आंसर भेजिए क्योंकि सभी चीज़ें कोरिलेट होकर हम लोग सीखते हैं जितना चीज़ें सीखेंगे उतना चीज़ें आपको बनाने के लिए देंगे और आप उनको बनाइएगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम खुद बताएंगे अगले क्लास में तो आपको आज पहला क्वेश्चन को नहीं देखना है देखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्यों क्योंकि दूसरा क्वेश्चन देखिए ए के प्रथम चार पद लिखिए यानी ए मान और डी मान देवल है तो प्रथम चार पद लिखना है जबकि ए और सार्वंत्र डी निम्नलिखित है मानी कि दूसरा का पांच सवाल है और सब में ए कमान और डी कमान दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसी से प्रथम चार पद लिखना है जैसा कि हम अपने तरफ से एग्जाम्पल लेके बताएं तो आपसे दूसरा का टोटल सवाल बनना चाहिए और आप खुद से भी इसका आंसर एक बार मैच कर लीजिए कि कहीं हम लोग का गड़बड़ तो नहीं ना है गड़बड़ है तो आप उसको सुधारिए फिर क्या बोल रहा है प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए यानी यहाँ पे एपी दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपको यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ए का मान लिखिए तो हम लोगों को तो सीखे हैं कि ए का मान और डी का मान खाली लिख देना है जैसे कि तीसरा का पहला क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं क्या है तीन है एक है माइनस है माइनस है और ये डॉट डॉट है तो यहाँ से प्रथम पद कमान और सार्व अंतर कमान लिखना है खाली यही देखिए क्या लिख रहा है ए पी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए बस खाली लिख के छोड़ देना माने कि शुरू वाला जो होता है वो होता है ए का मान तो ए का मान तीन और डी का मान कैसे निकालते हैं तो डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद तो भाई तेरा कोई भी तुम नंबर उठा लो ना हमको उठाना है माइनस तीन तो माइनस उठा लो ये हो गया अगला अब इसके पिछला कोची है माइनस वन है तो माइनस वन लिख दो लेकिन इसको घटाना है तो अगला पद माइनस पिछला पद चूंकि माइनस वन था तो माइनस वन कर लिए तो यहां हो जाएगा माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन तो इस तरीके से माइनस टू आंसर हो जाएगा तो ए का मान और डी का मान निकालना है कौन सा सवाल में तीसरा में ठीक है और चौथा क्या बोल रहा है तो दूसरा और तीसरा तो आपको बनाना ही बनाना है चौथा क्या बोल रहा है कि कौन एपी में है देखिए अब इसमें सवाल पढ़िए चौथा में कौन कौन ए पी है तो ए पी पहचानने का क्या रूल नियम है कि हमेशा डी का मान यानी कि सार्व अंतर का मान हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए बराबर होना चाहिए सब में वैल्यू बराबर आना चाहिए या नहीं तो आप अगर अपने से चेक कीजिएगा तो बराबर बढ़ाना चाहिए जैसे दो से चार हुआ तो कितना बढ़ा दो बढ़ा और चार से आठ बढ़ गया तो कितना ही बढ़ा चार न बढ़ गया तो इसलिए ये ए पी में नहीं है अच्छा बोल रहा है कौन कौन एपी में है यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए जैसे हम लोग दूसरा को चेक करते हैं कितना का चौथा का दूसरा तो चौथा का दूसरा सवाल क्या है तो दो पांच बटा दो फिर तीन फिर सात बटा दो ऐसा तो क्या एपी में है ये इसको चेक करने के लिए डी का मान निकालेंगे पहले इसको से इसको घटाएंगे तो पाँच बटा दो माइनस दो तो कितना बनेगा दो को एक कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा दू पांच माइनस चार तो कितना आ रहा है एक बटा दू अब की बार डी का मान चेक करना है ना कि ए पी में है कि नहीं तो सब में से बारी बारी घटाएंगे इसमें से इसको घटा लिए तो कितना आया एक बटा दू अब ई वाला में से इसको घटाएंगे तो तीन माइनस पाँच बटा दू तो तीन को एक तीन बटा एक बना लीजिए अब एक दो का एल्शियम दो और यहाँ हो जाएगा तीन सॉरी तीन दोनों के छ माइनस पाँच तो एक बटा दो आ गया फिर अब की बार फिर से डी निकालिएगा पुनः पुनः लिख लिख के करिएगा पुनः यानी पहला बार डी कैसे निकालना है चेक करने के लिए बाद वाला में इस यहाँ से शुरू से स्टार्ट करना है अगला माइनस पिछला फिर अगला माइनस पिछला फिर अगला माइनस पिछला तो सात बटा दो माइनस में तीन तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दो और एक कैल्शियम लेंगे दो और दो से दो कट जाएगा एक बार में सात और यहाँ हो जाएगा कितना दो और एक कैल्सियम दो तो यहां हो जाएगा छ और यहाँ एक बटा दो तो आप देख पा रहे होंगे कि सबका मान डी का मान तीनों का बराबर आएगा तो इसलिए लिखिएगा इसलिए दो पाँच बटा दो तीन सात बटा दो ए पी में है ए पी में है अगर फिर सवाल क्या बोल रहा है कि अगर कोई ए पी में है तब इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तो सार्व अंतर तो हम लोग निकालिए लिए अरे यही ना भाई सार्व अंतर है हम लोग चूंकि ए पी जब होता है तो सार्व अंतर तो एपी में है तो उसके नीचे लिख दीजिएगा इसलिए डी दी का मान कितना एक बटा दो सार्व अंतर निकल गया फिर बोल रहा है कि इनके तीन और पद निकालिए तीन और पद निकालिए तो तीन और पद निकालना है तो अभी कितना है दू है पाँच बटा है तीन है सात बटा दो है तो पहला पद दूसरा पद तीसरा है चौथा है चार गो तो पद देवल है अभी हमको और कितना निकालना है और तीन गो निकालना है यानी कि पांचवां पद निकालना है फिर छठा पद निकालना है छठा पद फिर सातवां पद और पांचवां पद के लिए कुछ फार्मूला ए प्लस चार डी तो ए प्लस चार डी का मान लिख दीजिएगा ए का वैल्यू यहाँ पे दो है और डी का वैल्यू एक बटा दो है तो ई वाला पद निकल जाएगा छठा पद के लिए फॉर्मूला ए प्लस पांच डी और सातवां के लिए ए प्लस छ डी तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपसे मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि दो और तीन में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चौथा में कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें आप डाइवर्ट होइएगा जिसको आपसे चेक नहीं हो पाएगा कि एपी है कि नहीं है और उसको ए uh, पी में अगला तीन कैसे निकालेंगे लेकिन फिर भी आपको क्या करना है चौथा को एक प्रैक्टिस करना है ठीक है और जो जो इसमें प्रॉब्लम होगा आपको आंसर मैच नहीं करेगा या फिर आपको दिक्कत होगा तो आप चौथा में जो जो नहीं बनेगा उसको आप हमें बताइएगा कि सर चौथा का ये ये सवाल नहीं बना है आप इसको दोबारा से समझा दीजिए तो आपको क्या करना है दूसरा तीसरा चौथा तीनों को आपको बनाना है हम अगला दिन डिस्कस करेंगे पहला का सवाल समझाएंगे और चौथा में जो लोगों को प्रॉब्लम होगा वही सवाल को हम बताएंगे कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है अगर मान लिया रहता कि कोई यह, यही यही जैसा कि सवाल है दो चार आठ सोलह तो यहाँ लिखेंगे तीसरा चौथा का पहला सवाल दो चार आठ सोलह यहाँ से तो डी पहले एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए तो इसमें से इसमें दट तो चार माइनस दो हो गया दो फिर पुनः लिख के लिखेंगे अब की बार इसमें से इसमें घटाएंगे तो आठ माइनस चार तो यही हो गया चार तो जब इतना आ गया डी कमान अलग अलग आ गया तो यहाँ लिखिएगा अत दो चार आठ सोलह ए पी में नहीं है अब ए पी में नहीं आएगा तो बस इतना ही छोड़ देना है क्यों क्योंकि यहाँ पे सवाल बोला कि यदि ए पी में है तब सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तब जाके डी निकालना है और डी निकालने के बाद अगला तीन पद निकालना है अगर चार गो रहेगा तो पाँच छ सात निकालना है तो मेरे अनुसार सब में चार चार गो पद है सब में चार चार पद है तो आपको जिसमें ए पी रहेगा उसी का तीन और पद निकालना है माने कि पांचवां छठा सातवां जैसे कि इसमें निकाल रहे थे तीनों का मान निकाल दीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कीजिएगा हाँ चौथा में कुछ प्रॉब्लम है जैसे रूट उट वाला प्रॉब्लम है स्क्वायर वाला तो इसमें लोगों से नहीं बन सकता है तो खैर जो नहीं बनेगा तो वो हम बताएंगे उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है लेकिन आपको प्रयास करना है चाहिए आपको प्रयास करना है ठीक है तो इन्हीं चीज़ों के साथ इतना ही आज हम लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा बात है कि एक दिन में हम लोग फाइव पॉइंट वन को भी ख़त्म कर लिए क्योंकि आप अगर दूसरा तीसरा बना लेते हैं तो चौथा का हमको कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा क्योंकि देखिए चौथा में टोटल पंद्रह क्वेश्चन है ऐसा तो नहीं है कि आपको आपसे पंद्रह क्वेश्चन बनेगा भाई मेरे आपसे पाँच क्वेश्चन बनेगा तो हमको दस ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा दस ही क्वेश्चन हम बता पाएंगे तो इसलिए आप एक से लेकर पंद्रह तक जरूर ट्राई कीजिए जो नहीं बनेगा चौथा में वो हम बताएंगे और पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं इसको भी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे तो आज के मैथ्स के क्लास को इतना ही तब तक आपका धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले क्लास में